ना बर्फी ना जैम, सिर्फ 500 ग्राम अंगूर से एक बार इस रेसिपी को बनाएं और पूरे महीने आनंद लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने 500 ग्राम अंगूर लिए हैं। इस अंगूर को आपको डंठल से बाहर निकाल लेना है, मतलब डंठल से अलग कर लेना है। तो इस तरीके से सभी डंठल को मुझे निकाल लेना है अंगूर से। कभी कभी अंगूर में लच्छे में खराब अंगूर आ जाते हैं तो उन्हें छांट कर निकाल दीजिएगा। तो कहीं कहीं छोटे मोटे डंठल रह जाते हैं, उसे भी निकालना है। ये देखिए, इस तरीके से कभी कभी सड़े आ जाते हैं अंगूर, तो उन्हें बाहर रख देना है निकाल के। तो जो खराब वाले अंगूर थे उसे मैं बाहर निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये आधा किलो अंगूर है, इसे मुझे धोकर अलग कर लेना है। यहाँ पर मैंने दो बाउल में अलग अलग कर लिया है, तो ये जो है धोकर मैंने ले लिया है। तो एक चाकू से इसे काट कर दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप अंगूर को डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पीस में, या फिर एक अंगूर के दो पीस बना सकते हैं बहुत ही आराम से। तो यह देखिए, मैंने एक बाउल में खड़े अंगूर लिए हैं, मतलब साबुत अंगूर, एक बाउल में काट करके ले लिए हैं छोटी छोटी पीस में। एक अंगूर में मैंने 6 से 7 पीस कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर जो मैंने साबुत अंगूर लिए हैं इसको मैं मिक्सी में डालकर पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया हुआ है। जो साबुत अंगूर थे इसे मुझे दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बस पल्स मोड में धीरे धीरे करके चलाना है 3 से 4 बार। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस की तरफ चलते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी है फ्रेंड्स। तो पैन के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देते हैं, 1 पिंच इसमें हींग डाल देती हूँ। हींग से रेसिपी में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच कलौंजी ली है और 1 छोटी चम्मच सौंफ ली है, जो रेगुलर घर में रहती है। थोड़ा सा इसे चटकने देते हैं, मतलब फ्राई कर लेते हैं, ये अच्छी से पक जाए। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं कटे हुए अंगूर और इसे मिक्स कर लेती हूँ मैं। 3 से 4 मिनट तक मुझे इसे पकाना है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, घर में सबको पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको कभी खाए नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो ये मिक्स कर दी हूँ मैं, इसमें अब थोड़ा सा नमक मिला देती हूँ, जो रेगुलर नमक यूज किया जाता है, और थोड़ा सा इसमें ब्लैक नमक मिला देती हूँ। इससे बहुत चटपटा बनता है, बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बनती है। तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिए और इसे ढककर 2 से 3 मिनट पका लेती हूँ। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, इसमें से थोड़ा पानी रिलीज हो गया है और अंगूर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी जो मिक्सी में पीस कर रखे थे अंगूर को, ये पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब इन सबको मिक्स कर लेती हूँ एक बार फिर से। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो इसमें हम चीनी मिला देते हैं, ये 4 बड़ा चम्मच चीनी है। आप इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं, जो मीठे में आपको खाना पसंद है। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़ा चम्मच चीनी ऐड किया है।
अब इसमें हम थोड़े सूखे मसाले मिला देते हैं। एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है, और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। अब इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें गरम मसाला भी मिला सकते हैं थोड़ा सा। तो मैं इसे अब ढक देती हूँ 3-4 मिनट के लिए, और 3-4 मिनट होने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच गुड़ लिए हैं, गुड़ को मैंने चाकू से काट लिए हैं, इसे भी मिला देती हूँ। गुड़ और चीनी का स्वाद बहुत ही मज़ेदार का होता है। अभी इसे 2 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी, तो इसे ढक देती हूँ। ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स। तो 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस रेसिपी से, और बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी है। तो ये हमारे रेसिपी पक चुके हैं, अब गैस को बंद कर दूंगी और चलिए इसे फटाफट सर्व करते हैं फ्रेंड्स। इसे बनाकर आप सूखे कंटेनर में रख के 1 से 2 महीने एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और रोटी चपाती पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़े से कटे हुए काजू बादाम लिए हैं, इस पर इसके अंदर डाल देते हैं। आप यहाँ पर खरबूजे के बीज, जो भी आपको पसंद है डाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेम्प्टिंग लग रही है, इसका नाम है अंगूर की चटनी। तो इसे ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, घर में सबको पसंद आएगी। बहुत ही टेम्प्टिंग रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बच्चे से बड़े तक सभी खाएंगे मज़े लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय दोस्तों।